Hey everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार डिश, चिकन लबाबदार के बदले में पनीर लबाबदार। तो चलिए देख लेते हैं पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है काजू, साबुत जीरा, कसूरी मेथी, घी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लिया है टर्मरिक पाउडर। और इन सब मसालों को बैलेंस करने के लिए लिया है हनी, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, फ्रेश क्रीम थोड़ी रिचनेस के लिए और लिया है कुछ साबुत मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और जावित्री, साबुत जिंजर गार्लिक। यहाँ मैंने 3 बड़े अनियंस को कट करके रख लिया है और लिया है 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसको मैं बाद में प्योरे बना लूंगी। अब आता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट पनीर। इसके बिना पनीर लबाबदार कैसे बन सकती है। पहले हम पनीर को लेकर उसको क्यूब्स में कट करके रख लेंगे। अब एक बोल में नॉर्मल पानी लेकर कुछ मिनट के लिए कट किए हुए पनीर को सॉफ्ट करके रख लेंगे। इससे हमारे पनीर सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगी। अब एक पैन लेकर उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा मीडियम हीट हो जाए तो उस पर हम लोग एक एक करके हमारे दालचीनी, लौंग, जावित्री, इलायची और तेजपत्ता ऐड कर देंगे। इनको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान में रखिए कि मसाले को हमको जलाना नहीं है, इससे हमारी डिश की फ्लेवर चेंज हो जाएगी। इनको हम लो फ्लेम में फ्राई करते हुए ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक, फिर डालेंगे काजू। इन सबको अच्छे से कुछ सेकंड के लिए फ्राई करके फिर हम इस पे रफली चॉप किए हुए अनियंस को डालकर फ्राई कर लेंगे। अनियंस फ्राई करते वक्त आप ध्यान में रखें कि हमें अनियंस को गोल्डन ब्राउन नहीं करने हैं। जब आपकी अनियंस पिंकिश हो जाए तब हम उस पे टमेटो प्योरे ऐड कर देंगे। अब इन सभी को अच्छे से एक साथ मिला लेंगे। 7 से 8 मिनट फ्राई कर लेने के बाद हम इस पे 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर मिलाएंगे। फिर से 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद एक बोल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडर की मदद से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड हो जाने के बाद हम एक सीव की मदद से प्यूरे को छान कर रख लेंगे। अब आते हैं पनीर मैरिनेशन पे। एक बोल में कट किए हुए पनीर में 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके उसमें हम पनीर को टॉस कर लेंगे। टॉस करने के बाद पनीर को निकाल के हम लोग साइड में रख देंगे। अब चलिए हम ग्रेवी को फिनिश करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, उस पे क्यूमिन सीड, 1/2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक एंड 1 चॉप्ड अनियन ऐड करके उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अनियंस गोल्डन फ्राई हो जाने के बाद एक एक करके उस पे हम लोग पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब मसाले अच्छे से पक जाए तब हम उस पे हमारा ब्लेंड किया हुआ ग्रेवी को ऐड कर देंगे। अब ग्रेवी और मसालों को अच्छे से भून लीजिए
अगर ग्रेवी की थिकनेस आपको ज्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लीजिए। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसको लीड से कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पका लीजिए। हनी ऐड करेंगे और फिर टॉस किया हुआ पनीर ऐड कर लेंगे। थोड़े देर और चलाने के बाद हम इस पे हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हमारा पनीर लबाबदार बन के रेडी है। हम इसको करते हैं पराठे के साथ इंजॉय। तब तक के लिए आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।